करना चाहेंगे आर्गुमेंट्स कि मतलब हमको ना मोहब्बत करना, तो क्या मतलब क्या थीम है इस एल्बम का और क्या है ये एल्बम बताएंगे? इस गाने का थीम ये है कि जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, और क्या ऑब्स्टिकल वो फेस करते हैं, कौन कौन उनके बीच में आ जाता है, क्या इंस्टेंसेस लाइफ के इंस्टेंसेस उनके बीच में आ जाती है, बट आखिर में हाउ डज़ लव प्रिवेल, हाउ डज़ द लव सपोर्ट वन अनदर, जब आप नहीं भी हो तब भी वो प्यार आपको कैसे सपोर्ट करता है, आपको कैसे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है. I think that is what the theme is of this song. Hari, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या हुआ? Hari, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना प्यार में बिलीव करती हैं और ये एल्बम करते हुए आपको कितना अच्छा लगा? एल्बम करते हुए बहुत अच्छा लगा. और मुझे बताइए, प्यार में कौन बिलीव नहीं करता है? हर कोई करता है, और आई थिंक उसी की वजह से ये दुनिया चल रही है. यू नो, लव आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर किसी के लाइफ में, एंड बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये गाना करके. रियल लाइफ में ऐसे कभी हुआ है कि आप लोग प्यार करते हुए कोई ऑब्स्टिकल आया हो आप लोग के बीच में? रियल लाइफ मेरे तो आए हैं. जब मैं उस टाइम पे, तो मैं हाई स्कूल में था या यूनिवर्सिटी में था, उस टाइम पे मैंने किसी से प्यार किया था, पर उनके पेरेंट्स बहुत ही खिलाफ थे, तो वो तो मेरे घर भी पहुंच गए थे और धमकी भी दे रहे थे. तो हाँ, वैसे तो हुआ है. नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसा भी मतलब फिल्मी ब्रो. I'm glad. मुझे तो एक दोस्त मिल गई जो मैं पहले, ऑफ कोर्स आई डिडंट नो हर, बट एक दूसरे को जान के, तो ऑफ कोर्स अभी तो 4 महीने हो गए गाने जब हमने शूट किया था, पर उस दौरान भी हम लोग बात भी कर रहे थे, एंड यू नो ड्यूरिंग दिस टाइम आई ऑल्सो नो कि ये क्या क्या कर रही हैं आगे लाइफ में, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ यू नो मजबूत बनाता है कोई रिलेशनशिप को. आई फील कि ओवर टाइम वी शुड, आई वॉन्ट टू डू अ फिल्म विद हर, इंशाल्लाह अगर वो भी हो जाए तो अच्छी बात है. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और जो जो भी मैंने किया है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हमेशा कुछ नया करूं अपने पैशन के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि यू नो जितनी अलग तरीके से मैं एंटरटेन कर सकती हूँ लोगों को, आई डू. एंड बाकी अभी हम सो सॉरी, हम थोड़ा लिटिल ब्लैंक. कांस में आप गई थी? जी जी जी. वो एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड यू नो आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर दुनिया भर से लोग आए हैं, आप लोगों से मिलते हो, यू हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम देम, इतनी सारी नई चीज़ें आपको पता चलती है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. यू नो आप जो दिमाग में सोच कर जाते हो, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. वो माहौल, वो पूरा एटमोसफियर, आई थिंक इट्स ऑल सो न्यू, बट येट यू नो एक आपको पीस मिलता है वहाँ पे लोगों से मिल के, एंड वो पूरा एक्सपीरियंस करके, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन माई करियर. एंड आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है फिल्मों में आपने भी ग्रैंड एंट्री की थी लव का दी एंड में, और फिर उसके बाद जो है आपको धर्मा वालों ने भी मतलब कि टू बिग प्रोडक्शन हाउस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए आपके एक्सपीरियंस, पहले तो आई वांट टू से, जब आपने उनका नाम ले ही लिया है तो आई वुड थैंक देम टू गिव मी अ ब्रेक, क्योंकि मैं तो मुंबई में ही नया था, और जब यश जी ने यू नो बुलाया था ऑफिस, और फिर जो भी है साइन वाइन किया, फिल्म की, सो आई फील आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई वुड से थैंक यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला कदम होता है आपकी जहाँ पर भी आपके करियर में, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बट अभी जो है फिलहाल मैं एक दो फिल्में भी कर रहा हूँ, एक दो सीरीज़ भी कर रहा हूँ. आई थिंक अगस्त में या सितंबर में एक सीरीज़ आ जाएगी जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है. मुझे लगता है कि दैट्स द बेस्ट रोल, जब पूरे 10 सालों में
ये मेरा सबसे सबसे बेस्ट रोल है, तो आई होप इट डज वेल एंड या। टेलीविजन करने के बाद आपका मतलब कि कितना एक बूस्ट अप होता है या कितना मतलब कि आसान रहता है फिल्म में एक्टिंग करना या एल्बम में एक्सपीरियंस करना, कैसा रहा? मैं समझी नहीं, मतलब सवाल ही नहीं समझी। टेलीविजन करने के बाद एक एक्टर के लिए कितना आसान रहता है फिल्म में काम करना या फिर कितना ज़्यादा बूस्ट अप होता है एक एक्टर? सी, प्लेटफॉर्म्स अलग है बट एज एन एक्टर आप वही चीज़ करोगे ना, आप एक्टिंग ही करोगे, चाहे फिर वो टीवी हो या म्यूज़िक वीडियो हो या फिर फिल्म हो, यू नो यू टारगेट, मतलब मैं बहुत उसमें चली जाऊंगी, बट तीनों प्लेटफॉर्म्स अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस तो आता ही आएगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। मतलब लोग ये बात करते हैं कि ये लोग ये करते हैं, ये लोग वो करते हैं, बट देन एज एन एक्टर यू जस्ट एक्टिंग, यू देयर ओनली टू एक्ट, टू जस्टिफाई योर कैरेक्टर, जो आपको स्क्रिप्ट में दिया जाता है वो करते हो, बट जो होता है वो टेक्निकल यू नो सारी चीज़ों से होता है, बिकॉज यू अगेन यू एंगेज डिफरेंट ऑडियंसेस हर एक प्लेटफॉर्म पे, तो ऑब्वियसली चेंजेस तो आते ही है। रियलिटी शो की बात की जाए तो आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो रियलिटी शोज करने में, और मतलब आप यूजली देखते हैं हम कि एक्ट्रेस जो सीरियल में एक्टिंग करती हैं तो उनके लिए आसान सा चीज़ होती है, जैसे हमने पहले भी देख चुका है, जैसे श्वेता तिवारी हैं वो एक हाउस होल्ड नेम बन गई, तो उनके लिए आसान था जीतना, दीपिका दत्तकर थी फिर उनके लिए आसान, जीतना आसान नहीं होता है किसी के लिए। आई थिंक आई वुड लाइक टू करेक्ट यू कि जीतना, आई थिंक जो कोई भी जीता है, आप हर वही नाम दे रहे हो जो बिग बॉस में जीते हैं ना, दूसरे रियलिटी शोज का भी आपने नाम नहीं दिया, बट कोई ऐसे ही नहीं जीतता है कि इसने शो किया है तो जीत गया, नो। आई थिंक आई वुड लाइक टू करेक्ट, लोग अपनी मेहनत से जीतते हैं, उन्होंने जो किया होता है शो में उस वजह से जीतते हैं। अगर आज मैंने शो किया है, मैं उस शो में जाके कुछ नहीं करूँगी तो मैं बाहर निकल जाऊँगी, आई हैव टू प्ले राइट। फ्यूचर में आप क्या, हम आपको देख सकते हैं कि कोई बिग बॉस या ऐसा खिलाड़ी? अभी तो नहीं देख सकते, जब फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होगा तो बताया ही जाएगा, राइट नाउ नो, बट वील सी लेटर। मैं होस्ट करूँगा खतरों के खिलाड़ी। किसको सपोर्ट कर रहा है? मैं तो सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, पर जन्नत मेरी पहली फिल्म में थी तो बच्ची है तो उसको सपोर्ट करते हैं। आप दोनों से जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? और मैंने तो अभी बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे बात करने लायक हो जाएगी वो मैं बातें करती रहूँगी उस बारे में। आप लोग से ये भी जानना चाहेंगे, OTT प्लेटफॉर्म तो आजकल बहुत मतलब कि बहुत सालों से हम देख रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और एक न्यू कमर्स के लिए या जो टेलीविजन में एक्टिंग कर रहे थे या टेलीविजन से अपना उनको फिल्म में ब्रेक नहीं मिल रहा था, तो OTT में ब्रेक करने का कितना अच्छा मौका रहता है, कितनी अच्छी चीज़ें रहती हैं? मैं कल ही गया था एक कंटेंट हब में, जो हम OTT के बारे में ही बात कर रहे थे, एंड इंडस्ट्री के सारे लोग आए थे, जगरनॉट फिल्म से लेकर एंडमॉल से लेकर जियो से लेकर हर बंदा वहाँ पे मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन में मुझे डेफिनेटली मुझे ये आइडिया तो ज़रूर लग गया है कि OTT प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ओनली गुड फॉर एक्टर्स बट इट्स गुड फॉर एवरीबडी, क्योंकि सबको काम मिल रहा है, डायरेक्टर से लेकर DOP से लेकर आप लाइटमैन से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर सबको काम मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर हमारी जो इकॉनमी है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। सो आई डेफिनेटली फील दैट OTT प्लेटफॉर्म हैज़ ब्रॉट इन अ लास्टिंग चेंज, एंड ऐसा नहीं है OTT आ गया तो सिनेमा कुछ नहीं, सिनेमा भी चल रहे हैं, OTT भी चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट, प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, लाइक फॉर दैट मैटर म्यूजिक वीडियोस नहीं इतना, मतलब आज से 5 साल पहले इतने म्यूजिक वीडियोस नहीं आते थे, बट नाउ यू हैव लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़, नॉट जस्ट फॉर पीपल लाइक अस एक्टर्स बट अदर पीपल ऑल्सो, लाइक ताहा सेड, सो कल 2 साल बाद देखो कि कुछ और आ जाएगा, सो यू नो डेवलप और अपग्रेड तो होना ही होना है। आपके हिसाब से आपकी इस एल्बम की क्या USP है और लोगों को क्यों सुनना चाहिए, एल्बम क्या है? इस एल्बम की USP है लीशा। नो 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 यस इस एल्बम की USP
मुझे लगता है गाना है, और उसके बाद सुनने में तो है ही बहुत, यू नो लाइक अभी जो मौसम है लाइक बारिश ज़हीन, या वेरी सॉफ्ट, वेरी एकदम ऐसे सुकून दे उस तरीके का गाना है. एंड ऑल्सो हाँ थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग है, बट देन अगेन एक थोड़ा सा मूड बना देता है. एंड देखना इसलिए चाहिए क्योंकि जो कहानी है वो बहुत प्यारी है, और अलग तरीके से हमने दिखाने की कोशिश की है. सो या कश्मीर है भाई इस गाने में, कश्मीर oh, yeah, है I miss that. इस गाने में हम सबका प्यार है. इस गाने में राहत भाई की जो स्टोरी है, जो कहानी है, उन्होंने उनका डायरेक्शन है, उनका डायरेक्शन है. या आई फील कि इस गाने के बहुत यूएसपीज हैं. आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली आई वुड फील एंड आई वुड होप दैट दिस यूएसपी ऑफ दिस सॉन्ग इज द केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ अस, एंड दैट कैन लीड ऑन कि हम एक दूसरे के साथ फिल्में करें या सीरीज भी करें. राइट, सो दैट आई गेस इज द एंड, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर होपफुली बोथ ऑफ अस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.